नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी के रीजन वाइज कट ऑफ के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो कि ग्रुप डी का एग्जाम 2021 में होने वाला है। अभी तक एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप लोग को अभी से आइडिया लग जाए कि आपको कितना स्कोर करना है। और ये मेरा एक अनुमान है, ठीक है ना? तो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम को देखा है, उसके हिसाब से इस चीज़ को मैंने तैयार किया है कट ऑफ को, और लगभग कट ऑफ आपको इतने ही के आसपास आपको देखने को मिलेगा। बट आप लोग सोचिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग को स्कोर करना है, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो कि मेरे हिसाब से आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जा सकता है, या इतना ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल रेलवे के बारे में। तो अगर आपने सेंट्रल रेलवे से अप्लाई किया हुआ है तो आपका जो कट ऑफ जाएगा वो 72 के आसपास जा सकता है, ठीक है? ये वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे का, मैंने साइड में लिखा हुआ है। तो ये आपका कट ऑफ हो सकता है 72 के आसपास। इस जोन से अगर आप अप्लाई किया है आपने तो 72 के आसपास है आपका जॉब हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल जोन से कितना जा सकता है, 60 के आसपास जा सकता है। फिर इसके बाद हम बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे, 68 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है, और वही ईडब्ल्यूएस का 60 के आसपास। और आपको जो सोचना है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नहीं सोचना, आपको जनरल का कट ऑफ सोचना है। तो ईडब्ल्यूएस वाला आप लोग देखते जाइएगा, मैं केवल जनरल के कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे से अगर आपने अप्लाई किया तो 70 के आसपास सोचिए, ईस्टर्न रेलवे से अगर आपने अप्लाई किया तो 72 के आसपास है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से अप्लाई किया तो आपको 66 के आसपास सोचना होगा कि आपका स्कोर आ जाए। आगे देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ये दिल्ली रीजन है, तो दिल्ली रीजन का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 74 के आसपास जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर 7 में ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के बारे में, तो 71 के पास आसपास कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के बारे में बात करें तो 68 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद नॉर्थन रेलवे के बारे में बात करें तो 76 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। साउथ सेंट्रल रेलवे मतलब सिकंदराबाद का कट ऑफ 65 के आसपास इस बार देखने को मिलेगा। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का 58 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फॉर्म फिल हुए हैं अगर हम लोग तुलना करें तो। आगे देखें, आगे अगर हम देखें साउथ ईस्टर्न रेलवे का 68 के आसपास कट ऑफ जा सकता है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का 66 के आसपास है, साउथर्न रेलवे का 68 के आसपास जा सकता है कट ऑफ है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का 70 के आसपास, और वेस्ट वेस्टर्न रेलवे का 68 के आसपास कट ऑफ है देखने को मिल सकता है। तो इतना आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मतलब कट ऑफ को दिमाग में तो रखिए, साथ में आप लोग कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? इस बार कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो कि एनटीपीसी में ज्वाइन कर चुके होंगे, काफ़ी ग्रुप डी वाले वो बच्चे होंगे जो कि ग्रुप डी में पिछले साल वाले ग्रुप डी में ज्वाइन कर चुके होंगे। उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी हाल फिलहाल में एएलपी में वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो गया होगा। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, लाखों 1.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हैं, या तो उनका कहीं जॉब हो चुका है, या तो शादी हो चुका है, या कहीं जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट जॉब में। तो अभी कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम लगभग 2 साल तो बाद ही हो रहा है, मतलब 2 ढाई साल बाद ही होगा ये एग्ज़ाम। और हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए ग्रुप डी का, क्योंकि एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो उसे क्लियर किया जाएगा तभी एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा मौका है, यहाँ पे आप लोगों को सोचना चाहिए कि मिनिमम आप 75 स्कोर कीजिए। 75 स्कोर कीजिएगा तो आप किसी भी जोन से अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका कट ऑफ क्लियर होने वाला है किसी भी कैटेगरी से। इस बार देखिएगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो कट ऑफ होगा बहुत एवरेज आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, 1 लाख पोस्ट है, और काफ़ी बच्चे पहले ही कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं या कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। तो आपको कंपटीशन अच्छा मिलेगा, गोल्डन चांस है आपके पास है इस बार जॉब करने का।
तो कम से कम 75 के लिए जाइए, और कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट कोई सा भी दीजिए तो उसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि 90 क्वेश्चन बनाइए, जिसमें से गलती होना चाहिए 10 से 12 क्वेश्चन, नेगेटिव करके 75 के आसपास आ जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 90 प्लस अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, और 75 प्लस लाने का सोचिए, आपका सिलेक्शन किसी भी जोन से होने वाला है, ठीक है ना। तो अगर किसी भी टॉपिक पर इसके अलावा आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।